आपको पता है चूजे मार गए हैं आशा हमारे। आशा इधर आओ, क्या हो गया यार आज, पता नहीं गुस्से में है ये। वो देखे कबूतर, लकी को देखें जरा, जो ब्राउन लकी कबूतरी होती थी जिसने बच्चा निकाला था वो कहाँ गई, तो आज मैं आपको बता देता हूँ और मैं दोस्तों को दिखा दूंगा वो कौन से चूजे थे जिनकी आज डेथ हुई है, जिनको बिल्ली मार के चली गई है। और वो ब्लैक चूजे को हटाओ यार यहाँ से, ये देखें जरा डक्स हमारी निकल गई। ये हमारा मोतियों वाला कबूतर है, उसकी ये जो है ना फीमेल है। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार आज हमारे साथ एक बहुत ही बैड न्यूज़ हो गई है। सुबह के टाइम तकरीबन 7 बज रहे थे या 7:30 बज रहे थे, उस टाइम मैं छत पे आया था, उस टाइम मैंने यूनिवर्सिटी के लिए जाना था, तो मैं अपने परिंदों को मैंने सोचा कि यार जाता हूँ थोड़ा इनको दाना वगैरह डाल देता हूँ, खाना पीना डाल देता हूँ। तो जब मैं छत पर आया, मैंने पहले मेरे रैबिट्स की तरफ गया ऊपर, वहाँ पर उनको मैंने पालक वगैरह डाली, उनको जो है ना उनका पत्ते वगैरह डाले। उसके बाद दोस्तों मैं आया कबूतरों की तरफ, तो कबूतर मैंने खोले और उनको जो है ना मैंने दाना वगैरह डाल के बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे डक्स वाले होम में। आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पे अपने चिक्स को ला के रखा था। सो गाइज, जब मैं यहाँ पे गया तो मेरा जो है ना दिमाग घूम गया यार, मतलब होश में उड़ गया और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई कि इनको देख के मुझे लगा कि यार अब नहीं, मुझसे छत पे नहीं रहा जाएगा, इसलिए जो है ना मैं अभी जो है नीचे जाता हूँ और जब मेरी तबीयत ठीक होगी, मतलब कुछ कदरे बेहतर होगी, तो मैं ऊपर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा। सो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर और टाइम आ चुका है, मैं आपको भी दिखाता हूँ यार। बहुत बड़ी बैड लक हुई है हमारे साथ और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा इसका, बट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अयान, दरवाज़ा खोलो यार। अयान, आपने देखा है अंदर? नहीं देखा अभी तक आपने? अयान को भी दोस्तों इस बात का अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ है, तो अयान को भी अभी दिखाते हैं और देखते हैं कि इसको मैंने बोला भी था ख्याल रखना, तो मैंने बोला था चूज़ों को जो है ना उसके ऊपर नज़र रखना, उनकी केयर करना। केयर नहीं की इनकी? क्या हुआ? स्कूल गए थे? नहीं, कल की बात कर रहा हूँ। कल शाम को चूज़े बंद किए थे आपने? चूज़े शाम को बंद किए थे कल? मामू के घर गए हुए थे, यही तो बात है ना यार। चलिए दोस्तों, अभी हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, आपके सामने ये देखें, एक चूज़ा ये पड़ा हुआ है और एक चूज़ा वो आगे कोने में पड़ा हुआ है। तो हुआ इस तरह से है कि हमारी जो चूज़े हैं ना उनको बिल्ली मार के चली गई है और हमारी बिल्ली इस केज के अंदर आई है और इस केज के अंदर आके उसने चूज़ों को मारा है। वो देखो यार, दो चूज़े मार दिए हैं बिल्ली ने, ये नतीजा होता है लापरवाही का। खैर दोस्तों, लापरवाही तो कोई नहीं थी क्योंकि हमारी तरफ से ये केज जो है ना बिल्कुल सेफ था। दोस्तों यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो गई है, अभी हम इनको बाहर निकालते हैं, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, इनको दफनाना भी है और आपको दिखाता भी हूँ कि कौन से वाले ये चूज़े थे, किन चूज़ों को बिल्ली ने मारा है। दो चूज़े हैं जिनके ऊपर बिल्ली ने हमला किया है और उनको मार के वो चली गई है, उनको खाया भी नहीं है, वैसे ही मार के चली गई है, और बाकी चूज़े जो है ना वो अंदर घूम रहे हैं। बाकी चूज़ों को निकालो ज़रा बाहर। अयान अभी चूज़ों को बाहर निकालते हैं। दो कबूतर हमारे ये देखे, मैंने जैसे ही केज खोला है दो कबूतर अंदर इस जगह पे आगे बैठ गए क्योंकि इनकी फेवरेट जगह है। तो गाइस, मैं आपको डब्स की अपडेट दे दूं। माशाल्लाह डब्स जो है वो अंडों पे बैठी हुई हैं, कबूतरों के अंडे हमने इसके नीचे रखे थे, हमने वीडियो भी बनाई थी, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। ये देखें अभी माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से इनक्यूबेट कर रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये बच्चे निकाल देगी। सो कबूतर यहाँ पे हैं, अभी हम कबूतरों को भी बाहर निकालते हैं। सारे कबूतरों को बाहर निकाल के हमने दाना डालना है और वो जो चूज़े हैं ना उनको निकाल दिया बाहर। कबूतर भी निकल गए, ये देखें ज़रा चूज़े कहाँ पे हैं, वो चले गए और दो कबूतर ये निकले हुए। ये पैर जो है ना हर टाइम यहाँ पे जाके घुस जाता है और मुझे लगता है यहीं पे ये अंडे भी दे देगा अगर हमने ज़्यादा टाइम जो है ना इनको यहीं पे छोड़ा। अयान, जो मरे वाले चूज़े हैं ना, कुछ एक काम करो, ये शापर पड़ा हुआ है, इसके थ्रू जो है ना उनको बाहर निकालो और मैं दोस्तों को दिखा दूंगा वो कौन से चूज़े थे जिनकी आज डेथ हुई है, जिनको बिल्ली मार के चली गई है। उनको मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये वही चूज़े थे जो हम मुर्गी के साथ, हमने वाइट मुर्गी के साथ ला के छोड़े थे, अभी माशाल्लाह से वो भी कुड़क हो गई है। तो उसके ये चूज़े थे और 10 चूज़े थे जिसमें से दो चूज़ों की डेथ हुई है। यार निकालो यार इनको बाहर, जल्दी करो। बाकी दो चूज़े वो सामने घूम रहे हैं, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा माशाल्लाह। ये चेक करें दोस्तों, लकी पेयर जो है ना फिर से यहाँ पे बैठना स्टार्ट हो गया और मुझे लगता है ये कुछ ही दिनों में जो है ना अंडे दे देगा। सो अभी हम इनको बाहर निकाल देते हैं। जाओ जाओ बाहर,
ये निकल गए बाहर, इनको अभी दाना पानी डालते हैं, थोड़ा सा ये दाना वगैरह खा लें, फिर हम इनको थोड़ा सा उड़ाते भी हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये पैर पक्का लगा हुआ है और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में इसने अंडे दे देने हैं। बाकी माशाल्लाह ये लकी पैर जो है ना ये भी फुल अंडों पे तैयार है और इस फीमेल का पैर भी काफ़ी बेहतर हो गया आप देख सकते हैं। बल्कि ये तो हमारा कमांडो कबूतर है, इसकी फ़ीमेल ये सामने है, मतलब काफ़ी इसका जो पैर है ना वो पहले से मुझे ठीक लग रहा है। और ये हमारा मोतियों वाला कबूतर है। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा दाना वगैरह डालते हैं ताकि ये दाना खा लें और फिर जो है ना मैं चूज़ा आपको एहान चूज़ा निकाला बाहर। ये ले दोस्तों माशाल्लाह चेक करें ज़रा, इनका पैर जो है ना पक्का लगा हुआ है। गाइज आपको याद होगा कि ये जो वाइट फीमेल है ये बीच में कुछ बीमार हो गई थी तो इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था और आपको मैं रोज़ दिखाता होता था कि आज इस तरह से है आज इस तरह से है, मतलब प्रॉपर एक मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था। तो माशाल्लाह अभी फीमेल आपके सामने है, चेक करें ज़रा कितनी अच्छी हो गई है, मतलब अंडों भी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने ट्रीटमेंट करके इसको इलाज किया था और माशाल्लाह अभी आपके सामने। और वो देखें एयान उधर से कबूतरों को इधर लाओ ज़रा, ये दाना वगैरह खा लें, मिक्स दाना है इनके आगे मैंने डाला, ये बड़ी खुशी से खाते हैं और इनके लिए अच्छा भी होता है। सो कबूतर यहाँ पर आ रहे हैं, लाओ लाओ, बस ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें ज़रा, ये आ गया, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा मोतियों वाला कबूतर है, उसकी ये जो है ना फीमेल है, चेक करें माशाल्लाह आप। सो गाइज चूज़ों को बाहर निकाल दिया है, एक ही चूज़े अंदर, हाँ बल्कि दो हैं ना, दो चूज़े हैं। ये देखें दोस्तों ये दो चूज़े हैं जिनको बिल्ली ने मारा है और इनके अंदर पता नहीं सुराख करके चली गई है, क्या हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रहा, बट इनको मार के चली गई। और वो ब्लैक चूज़े को हटाओ यार यहाँ से, हटाओ हटाओ। हाँ तो इन चूज़ों को अभी हम ऐसा करते हैं ना, इनको दफना देते हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी क्योंकि सुबह से जो है ना ये काफ़ी कुछ घंटे हो गए हैं तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रही दोस्तों मैं इसका क्या करूँ इस केज का, मतलब यहाँ पे बिल्ली पता नहीं कहाँ से घुस जाती है। ये देखें यहाँ से भी ये बिल्कुल बंद है, उस जगह से भी बंद है, सारी जगहों से बंद है। पर एयान वहाँ पे जा रही हैं कबूतरों वाले पिंजरे में, उनको बाहर निकालो वहाँ से। वो देखें ज़रा इनके काम देखें, ओहो हो कहाँ घुस गई यार, ये क्या कर दिया, निकालो यहाँ से बाहर। कबूतर बेचारे डर रहे होंगे कि क्या चीज़ आ गई हमारे खाने में, अभी वहाँ पे जा रही हैं। खैर कबूतरों को जो है ना दाना वगैरह डाल दिया है, अभी इनको हम दोबारा से बंद करेंगे और ये जो चूज़े हैं इनको मैं दफनाता हूँ। ये देखें यहाँ पर पड़े हुए हैं। आयशा आयशा भी आ गई है छत पे कबूतरों को तंग करने के लिए, इनके साथ खेलती रहती है। क्यों आयशा आपको पता है चूज़े मार गए हैं आयशा हमारे, आयशा इधर आओ, क्या हो गया यार आज पता नहीं गुस्से में है ये। वो देखे कबूतर लकी को देखें ज़रा, आयशा अंदर नहीं लेके जाओ, अंदर नहीं लेके जाओ ना, क्यों लेके जा रही हो अंदर, अभी तो मैंने बाहर निकाले थे। आयशा सारे चूज़ों को लेके अंदर चली गई है। तो गाइज़ मुझे काफ़ी दुख हुआ कि यार हमारे जो चूज़े उनको बिल्ली मार के चली गई। अब जो है ना हम ऐसा करेंगे कि वो जो केज है उसके अंदर ही हमेशा चूज़ों को बंद रखेंगे, चूज़ों को बिल्कुल हमने बाहर नहीं निकालना क्योंकि बिल्ली किसी टाइम भी आ सकती है और कबूतर भी हमारे घुमे हैं दो तीन। तो उसमें एक ब्राउन फीमेल है जिसका आप लोग काफ़ी लोग मुझसे दोस्त पूछ रहे थे कि यार ब्राउन फीमेल कहाँ गई, आपकी जो ब्राउन लकी कबूतरी होती थी जिसने बच्चा निकाला था वो कहाँ गई। तो आज मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ गई, उसको जो है ना बिल्ली मार के चली गई है, बल्कि बिल्ली मार के नहीं गई उठा के लेके चली गई है। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे उसने बिल्ली ने उसको कैसे उठाया है, कैसे किस तरह से लेके गई है, बट उसे बिल्ली लेके गई है ये मुझे 100% कन्फर्म है। सो काफ़ी कबूतर हमारे गुम होते रहे हैं बीच में तो वो बिल्ली उठा के लेके जाती रही है। एक दो दफ़ा मैंने छत पर देखी भी है बिल्ली को, बट वो जो है ना मतलब हाथ नहीं आई कभी भी। सो अभी हमने इनकी ज़्यादा केयर करनी है, रात के टाइम में इंशाल्लाह यहाँ पे कैमरा लगा के रखूँगा, अगर कैमरा मतलब कुछ देर लगा के रखूँगा, खुद भी चक्कर लगाता रहूँगा, देखेंगे कि बिल्ली कहाँ से आती है, बिल्ली का रास्ता कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर इंशाल्लाह अपने जो परिंदे उनको बचाएंगे। तो गाइज एक नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, मैं आपको उसमें वाइट मुर्गी भी दिखाऊंगा, रैबिट्स भी दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें कबूतरों को देखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।